हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना लास्ट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे हम लोगों को बहुत काम आने वाला है। बॉन्डिंग या कोई भी रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो भी पढ़ेंगे हम, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज़, लेट से ये समझें सीयर का इलेक्ट्रॉन है। ठीक, दो इलेक्ट्रॉन, एक एटम ए एक एटम बी, दोनों बॉन्डेड हैं। ठीक, अब इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो दो मार्कर इनको इलेक्ट्रॉन समझिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एटम अपनी ओर खींच लेगा, टोटली अट्रैक्ट करेगा, वही एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब बेसिकली ये कोई सिंगल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी। और कब एग्जिस्ट करेगी, जब कोई एटम बॉन्ड बनाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, दो लोग हों और उन दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन कोई एक अकेला आदमी हो, उसमें कौन ताकतवर है, ये डिसाइड नहीं कर सकते हो। सेम वे में दो एटम जब बॉन्डिंग स्टेट में हो, उसमें किसी एटम की जो पावर होती है क्या अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को, वही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं बेसिकली बोल सकता हूँ पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, वही क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरी चीज, इसे हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब क्या बात की हमने, ए और बी है ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स को जो भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेट से बी अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी हमारा कैसा एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक बात आप समझो, बी में ऐसी कौन सी खास बात है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले रहा है, ए में ऐसी खास बात कौन सी नहीं है। उस चीज को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो बी अगर ज्यादा उसको खींच रहा है, इसका मतलब बी का न्यूक्लियस मोर पावरफुल है। बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, जिसका न्यूक्लियस जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। बोल सकता हूं, और न्यूक्लियस की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। इसका मतलब जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब मैं सेम नॉर्मल वे में कह सकता हूँ कि अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो क्या आएगा, सबसे पहला फैक्टर ही क्या मिल गया, जेड इफेक्टिव। स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ाया था, आपको याद होगा, ये चीज मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तभी मैंने बोला था कि ये चीज सब इफेक्ट में काम आएगा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। कोई डाउट यहां पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, जेड इफेक्टिव। चलो, ये बात समझ में आती है। और क्या फैक्टर हो सकता है इसका, सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं। जब जेड इफेक्टिव की बात कर लिया, तो साइज की भी बात कर लो। ठीक, वैसे यहीं पे चाहो तो लिख सकते हो आप, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, साइज की। तो कोई अलग फैक्टर की बात करो, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो, साइज हटा दो। दूसरी चीज है परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसको मैं बॉन्डिंग वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये दो फैक्टर हो गए। थर्ड फैक्टर बताओ, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कब बढ़ती है? क्या चार्ज बढ़ा दूं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा? उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो होता क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं ये लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट में जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हुई बात? ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान रखें। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, फॉस्फोरस प्लस थ्री में हो, फॉस्फोरस प्लस फाइव, दोनों में बताओ कौन ज़्यादा निगेटिव होगा। कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो PCl3 PCl5, बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये होगा जाई का पार्ट। क्लियर हुआ ये चीज? चलो ये तो बात हो गई फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रो निगेटिविटी। नेक्स्ट थिंग है कैसे हम एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। इस क्रम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है पॉलिंग का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका रहा है? पॉलिंग का। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इन्होंने बहुत काम किया है। पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल क्या है? जाई तो समझ ही गए आप, जाई मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड हो लाइक ए बी, इस कोवेलेंट कंपाउंड में ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा 0.208, मैथमेटिकल फॉर्मूला है याद रखना है आपको, स्क्वायर रूट ई ए बी मतलब ए बी बॉन्ड की एनर्जी, फिर ई ए ए ए बॉन्ड की एनर्जी, बी बी बॉन्ड की एनर्जी, ठीक। और ए बी बॉन्ड की एनर्जी में से ए ए बॉन्ड और बी बी बॉन्ड की एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये देखिए ध्यान से, ज्योमेट्रिकल मीन है, मैथ्स वालों समझ पाएंगे, ज्योमेट्रिकल मीन है, ये सब्सट्रैक्ट कर दो। बस ध्यान रहे ये सब जो एनर्जी है ये किलो कैलोरी पर मोल में होनी चाहिए, किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकल के आएगी वो कौन सी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी? पॉलिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा स्केल है मुल्लिकन स्केल, मुल्लिकन स्केल बोलते हैं इसे, ठीक। यहाँ पे जाई एम लिखा हुआ है, इनके अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन टू का रेशियो जो होगा अपॉन टू, सॉल्व करके आप जो निकालोगे वही मुल्लिकन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। और इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर सेम एटम के लिए निकालो तो कुछ ऐसा रिलेशन आता है, जाई पॉली इज इक्वल टू जाई एम अपॉन 2.8। याद रखो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल यही स्केल यूज की जाती है, अल्फ्रेड रोचो स्केल, ठीक, AR स्केल इसे बोलते हैं। जाई इज इक्वल टू 0.749 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर का स्क्वायर, ये आपका होता है अल्फ्रेड रोचो स्केल। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, कौन कौन सी स्केल हो सकती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात तो हम लोगों ने कर लिया, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशंस देखो बहुत सारे हैं एप्लीकेशंस, जैसे पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है बॉन्ड कैरेक्टर भी बताता है। बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब कोई भी बॉन्ड, ध्यान रहे कोई भी बॉन्ड परफेक्टली ना तो आयनिक होता है ना तो परफेक्टली कोई कोवेलेंट होता। परफेक्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल कुछ मिल जाएंगे लेकिन मोर ओवर मॉलिक्यूल्स में जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आयनिक नेचर आ जाता है। तो आयनिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज करते हैं। तो पहला चीज देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन एप्लीकेशन नंबर वन, अभी उसके बाद हम लोग इससे पहले हम लोग वो बात कर ले ट्रेन की, तब एप्लीकेशन पे आते हैं। पहले ट्रेन देख लो, ट्रेंड्स इन पीरियड, तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। अब जान भी जो क्या हो, लेफ्ट टू राइट गए तो बताओ होता क्या है, जेड इफेक्टिव पे ध्यान दो,
जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी, बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। रीजन, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ट्रेंड्स इन ग्रुप की बात करें, ट्रेंड्स इन ग्रुप, ग्रुप की अगर बात करें, टॉप टू बॉटम चलते हैं हम लोग। टॉप टू बॉटम के केस में क्या होगा, साइज देखो, साइज इंक्रीजेज, और साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में रिवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जाई डिक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम चलने पे क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये इतना ध्यान रखना है। और देखिए ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जब भी हम चलेंगे तो नोबल गैसेस की बात नहीं करना, क्योंकि नोबल गैसेस ना तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ना ही उनकी कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात की जाती है, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज्यूम की जाती है जीरो। ये ध्यान रखें। अब एक ऑर्डर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी इसकी, तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है। ये इतने एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। याद करने का तरीका एक दो बार रिपीट करोगे, फोकल फोकल नंबर ब्रासिकम, फोकल नंबर ब्रासिकम, ऐसे करके एक दो बार आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, फोकल नंबर ब्रासिकम, फोकल नंबर ब्रासिकम, तो आपको याद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन से अटैच्ड एटम पे आप बॉन्डिंग में चार्ज कैसा होगा वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक, ये चीज था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ट्रेंड्स पीरियड में और ग्रुप में। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक, अब आप बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में अगर देखें, सबसे पहला कलर ऑफ कंपाउंड भी एक्सप्लेन करता है। देखते हैं कलर ऑफ कंपाउंड, या बोलते हैं पोलराइजेशन की बात, ठीक कैसे होता है वो देखो आप। AgCl, AgBr एंड AgI, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, ये है। इनमें अगर डाउन दो ग्रुप जाओ तो सिल्वर प्लस तो स्यूडो आयन है। अब देखो Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक इनकी साइज क्या हो रही, बढ़ रही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की क्या हो रही, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, पोलराइजेशन इंक्रीजेज, और पोलराइजेशन इंक्रीज करने पे मोर इंटेंस कलर, ये जो होता है सिल्वर आयोडाइड आपका डार्क येलो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो होता है, सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है। तो ध्यान से देखो, तो अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो पोलराइजेशन घटेगा, और पोलराइजेशन घटेगा, पोलराइजेशन का मतलब होता है जैसे कि Ag+ है, ठीक ये Cl- है, Cl- के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप ही समझो, सिल्वर पे प्लस चार्ज आया तो इसकी टेंडेंसी जेड इफेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, मोर, और जेड इफेक्टिव मोर होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, इसी चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन, अट्रैक्ट करना चाहेगा। अब अगर मैं क्लोरीन ले लूं और दूसरा केस में आयोडीन ही ले लूं, Ag+ है, I-
सिंस इसकी साइज बड़ी होती है, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना क्या है, इजी है, ये ज्यादा पोलराइज होगा, ये कम पोलराइज होगा, और जो चीज ज्यादा पोलराइज होगा उसका कलर उतना इंटेंस होगा, इसलिए आप देख लो मोर इंटेंस। जाई डिक्रीज कर रहा है तो आयोडीन में पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा इस कंपाउंड में, तो इसका कलर क्या होगा, ज्यादा इंटेंस होगा। क्लियर हुई बात? ही दूसरी चीज हम लोग निकालते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में हम आयनिक कैरेक्टर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू जाई ए डिफरेंस जाई बी पावर 1.4। ये पॉलिंग स्केल है, ये कौन सी स्केल है, पॉलिंग स्केल है। क्या निकालने के लिए, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। दूर देख रहे थे हम अप्लीकेशन, अप्लीकेशन में देखते हैं कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। अप्लीकेशन में सबसे पहला, सॉरी एक बात कर चुके हैं हम लोग, नंबर टू आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब ये पता करने के लिए आप एक सबसे सिंपल सी चीज समझ सकते हो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ग्रेटर देन 1.9 हो, 1.9 हो और लेस देन 1.9, ठीक, 1.9 अगर होगा 50% आयनिक, लेस देन 1.9 होगा तो कोवेलेंट नेचर, और ग्रेटर देन 1.9 होगा तो कौन सा नेचर आ जाएगा बॉन्ड में, आयोनिक नेचर आ जाएगा। ये तीन पॉइंट आप ध्यान रखोगे, अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता हो बॉन्ड की तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे एच एफ ले लिया, एच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.1, एफ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 4.0। चलो निकालो जाई एच डिफरेंस जाई एफ कितना आएगा, 4.0 माइनस 2.1, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1.9। 1.99 आने का मतलब ये 50% आयनिक है और 50% कोवेलेंट। ठीक, HCl ले लूं, H की है 2.1 और Cl की है 3.5, यहाँ पे डिफरेंस निकालो जाई H डिफरेंस जाई Cl कितना आएगा, 3.5 माइनस 2.1, 1.4। ये बताओ क्या होगा, मोर कोवेलेंट नेचर इसमें होगा, मोर कोवेलेंट नेचर। ठीक, ये बात हो गई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सॉरी आयनिक कैरेक्टर की। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इस पर डिपेंड करती है। अब बताओ कोई चीज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना पास, जैसे ये एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये इसको पास खींचेगा, और कोई चीज जितनी छोटी होगी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो कोई भी चीज जितना छोटा उसको ब्रेक करना उतना ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इन बॉन्ड, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ग्रेटर द, सोच लो सही चीज है ये, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या लिखा हुआ, ए और बी के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
डिफरेंस पे, ए है और ये बी है, इनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। कैसे ये देखता है, चलो हमने ले लिया एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई बी आर, सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ आपको, जाई एच लिख लेते हैं जाई एच डिफरेंस जाई एक्स लिख रहा हूँ, एक्स का मतलब हाइड्रोजन। देखो अभी बता दिया है, इससे छोड़ो इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, जाई ए डिफरेंस जाई बी निकालना है, इसकी वैल्यू इसकी 2.1 बताया था, इसकी 4 बताया था, तो कितना आया था 1.9, इसकी 2.1, इसकी 3.5, ये आया था 1.4। देखो हाइलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ लो इसकी 4.0, 5 कम करते जाओ, 3.5, 3.0, 2.5, ये होता है। तो देखो 1.4 आएगा इसका, इसका निकालोगे 0.9 आएगा, हाइड्रोजन का 2.1 होता ही है, ठीक, इसका निकालोगे तो आएगा 2.5 माइनस 2.1 0.4। अब आप बता दो कि कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, सो द ऑर्डर विल बी एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ये था अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक। और भी छोटी छोटी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ ए और ए प्लस में, ये तो अप्लीकेशन की बात ख़त्म हो गई है, फिर ए है और ए प्लस है, इन दोनों में अगर मैं पूछूं बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दूसरा एक ए है, ए पे पार्शियल प्लस है इन दोनों में, तो आप देखोगे जैसे ही थोड़ा बहुत भी अगर चार्ज क्रिएट हुआ हो, प्लस प्लस चार्ज बढ़ने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, शायद आपको ये चीज समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इतनी चीज़ें थी, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उसको आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं है। अब अगर पीरियोडिक टेबल में मैं छोटी छोटी चीज़ें और आपको जो डिस्कस हुई है वो अगर डिस्कस कर लें तो आप अच्छे से समझ पाओगे, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। ये होता है टॉप, यहाँ पे बॉटम कर दूँ, फिर यहाँ से लेफ्ट और ये पट्टी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम आने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। अब अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, और एक चीज, अच्छा हम लोगों ने कुछ जो जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी उसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने देखा, एक तो पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, दूसरा क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चौथा क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये चार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। इनमें अब कौन जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो अगर किसी चीज में आर वाला टर्म आ गया, रेडियस, रेड्यूसिंग नेचर, ये सब आ गया, तो उनको समझ लो जेड इफेक्टिव जो होगा उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जेड इफेक्टिव उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये ध्यान रखिए, जेड इफेक्टिव उसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस के बताओ क्या होगा, इनवर्सली, आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली, इसके भी डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी डायरेक्टली, तो दोनों सेम चीज़ें लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेस प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे आपने देखा सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे किसके, जेड इफेक्टिव। अब बताओ यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगी,
आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज। सेम इस बेसिस पे आप देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों का यूज करके आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो, कौन सा एलिमेंट बिगर होगा, कौन सा एलिमेंट स्मॉलर होगा इन साइज, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। ये था आपका पूरा होल चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसको अच्छे से पढ़िए और अपना नोट्स प्रिपेयर करिए और कोशिश ये करिए कि एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और जो कुछ टर्म्स जनरल लाइक जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक, ये सब टर्म आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये सब आगे बहुत यूज में आएंगे। थैंक यू।